भाई ये देखें भाई, कसाई भी माशाल्लाह से आ चुके हैं। कोई बड़ी गंदी भाई, इसने लत्ती मार दी। अभी हम तो इसको शरीफ समझ रहे थे, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक चल रहा है भाई। किसी और ने अपना कटवाना हो तो बताओ, मतलब बकरा। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस योर बॉय हसीब एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई सब सुबह सुबह का टाइम, फजर का टाइम है, फजर की नमाज़ अभी पढ़ के आया हूँ। माशाल्लाह से दोनों जानवर हो गए हैं खड़े, और बस अब इनका थोड़ा सा ही कुछ ही टाइम रह गया है ज़िबा होने में, मतलब अल्लाह की राह में कुर्बानी होने में। सो गाइस, नीचे वाला कमरा जो था वो रेडी कर लिया है, यहाँ पे गोश्त वगैरह बनाएंगे। इधर इस जगहों पे नीचे जो है ना, ये असल में खाली पूरा की हुई थी, ड्राइंग रूम था पूरा ये खाली किया हुआ था, अब यहाँ पर होगा गोश्त वगैरह। सब कुछ आखिरी लम्हात हैं इन दोनों जानवरों के, और कुछ ही देर में ये यहाँ पे कुर्बान हो जाएंगे। भाई गली की सफाई वगैरह कर दी है, यहीं पर ज़िबा होंगे, यहीं पे इनकी कुर्बानी होगी। उसके बाद अंदर जो मैंने आपको जगह दिखाई वहाँ पर बनेगा इनका गोश्त। तो बस कुछ ही टाइम है, थोड़ा सा वो देखें लाड़ियाँ शाड़ियाँ चल रही हैं। भाई ये वाला माशाल्लाह से देखें, ये खड़ा हुआ है, तो बस इनको थोड़ी देर में ही कुर्बान कर देंगे। कर लो इसको, हाँ ये देखो भाई, ये जान लड़कों की मोहब्बत होती है जानवरों से। भाई ये देखें यार माशाल्लाह। तो बस यार अभी नमाज का टाइम भी होने वाला है, जल्दी वाली मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे ताकि आ जाएंगे, क्योंकि भाई 7 बजे कसाईयों ने टाइम दिया है, 7 बजे का टाइम है, आके इनको कुर्बान कर देंगे। तो हमें यहाँ पर होना लाजमी है, क्योंकि 7 बजे अगर कसाईयों ने आना है तो भाई 7 बजे हम यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। तो हम 6:30 बजे वाली नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो बस मैं भी नहा धो के ना फटाफट नमाज़ पढ़ने निकल रहा हूँ। भाई ये देखें माशाल्लाह से, ये बैठा हुआ है हमारा बुलबुल। भाई बुलबुल का देखें सीन ये है कि इसको ज़िबा करेंगे, इसकी कुर्बानी करेंगे हम खुद, भाई मतलब कि आपका भाई इंशाल्लाह इस पर छुरी फेरेगा। तो ये बैठा हुआ है, बस इसके भी कुछ ही टाइम इसका रह गया है, तकरीबन कोई बस 1-2 घंटे लगा लो, मतलब कि वो वाले जानवर जैसे ही कुर्बान होंगे ना, तो भाई साथ ही इसको भी हम उसके पीछे ही ना, मतलब इसे भी छुरी फेर देंगे। कसाई बैठ के वो वाले जानवर करते रहेंगे, तो हम आराम से इसको गिरा देंगे। भाई बुलबुल आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा माशाल्लाह से यार, ये इतना यकीन करें प्यारा खूबसूरत, यकीन करें मेरे पास यार गाइस अगर जगह होती ना मैं इसको तो पाल लेता भाई, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐसी जगह नहीं है तो हम इसको पाल नहीं सकते। इतना प्यारा खूबसूरत सा है माशाल्लाह से, ये देखें यार कितना मासूम सा। भाई आज आपका वक्त आ गया है भाई बुलबुल, कुछ कहना है नहीं कहना, चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हमारी बस कुर्बानी कबूल फरमाए। भाई तुम्हारा भी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तुम्हें भी प्यार कर लेते हैं हम भाई माशाल्लाह से। ये देखो भाई इसका भी कुछ ही टाइम रह गया है, और इस वाले का भी। भाई ये तो लत्ती मारता है, इसको नहीं छेड़ो भाई। ये देखें भाई यहाँ पे फर्श था, ये यहाँ से सारा ना समेटना भी शुरू कर दिया है, मिट्टी वगैरह सारी। बस अब इनका अलविदाई टाइम है, ये माहौल बहुत अच्छा सा बना हुआ था, हमने यहाँ पे 4 रातें गुजारी, लेकिन बस अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। चलो ना यार अभी जल्दी से बस रेडी हो जाते हैं, और रेडी होके ना बस नमाज़ की तैयारी करके नमाज़ पढ़ने चलते हैं फौरन, ईद की नमाज़ पढ़ के आके उसके बाद हम करेंगे कुर्बानी। चलो भाई साहब फाइनली नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, अब जल्दी से अपना गेटअप करते हैं कसाईयों वाला। भाई ये देखें अभी तैयार शेयर हुए थे, अबे तू अभी कसाई लग रहा है, पहले ही कसाई तो लोग कुछ यार, खाने पी ये ईद खाने पीने वाली नहीं होती भाई। ओ इस ईद पे गोश्त दूंगा इसको मैं, ईदी गोश्त भाई, इस ईद पे कुछ भी नहीं मिलता ऐसा, बस ईद ईद पे नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ के कुर्बानी करते हैं, और क्या करते हैं, बारबेक्यू भी करेंगे ना यार, बारबेक्यू करेंगे। लेकिन गाइस नहीं हो सकेगी बारबेक्यू, भाई पेपर है मेरे भाई, पढ़ना है, कर लेंगे कोई टाइम नहीं, चलो देख लेंगे कुछ ना कुछ। तो बरला अभी जल्दी से गेटअप करते हैं चेंज, और आते हैं, बल्कि नहीं आते नहीं है, बनाते हैं अपनी लुक कसाईयों वाली। तो भाई साहब आपका भाई आ चुका है फुल कसाई लुक में, वो वैसे मेरी छुरी गए, अबे छुरी तो बाद में आएगी ना भाई जब ज़िबा करने जाएंगे नीचे यार, अभी तो कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, अभी तो कुछ खाते पीते हैं हल्का फुल्का सा, फिर चलते हैं ना नीचे भाई। तो मैं अब आपको बस यहाँ से सीन कट करके ना ज़िबा होते हुए दिखाता हूँ, पहले बड़े जानवरों का, फिर जब हम दुम्बा करेंगे अपना बुलबुल मतलब के करेंगे, तो तब आपको दिखाता हूँ। बाय द वे अगर आपको बुलबुल का नहीं पता तो भाई आप लोग पिछले लास्ट व्लॉग जाकर देख लें मेरे, और बड़े जानवरों वाले व्लॉग भी देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो बोलो भाई, अबे तू इससे बकरा ज़िबा करेगा, आम छुरी नहीं है ये, कोई यूं ही फिरेगी, यूं ही कैसे एक फिरेगी, एक बारी में यूं ही तो यूं ही फिरती है छुरी तो। गाइस यार कैसी बातें कर रहा है, और ये वाली से क्या, इससे खाल उतारने वाली, मैं क्या बोलूं इसको यार,
भाईजान ये छोटी वाली होती है खाल उतारने वाली, बड़ी वाली जो है जिबा करने वाली होती है। अबे लग रही है तो किचन वाली है। अबे तो प्रैंक हो गया यार। तो खैर गाइस यार अभी बरल जो भी है ना अभी बस हो चुके हैं, अपनी लुक में आ चुके हैं, तो बस जल्दी से आगे ना जानवर बस जिबा होने ही वाले हैं, तो चलते हैं आपको जाकर वो दिखाते हैं। देन भाई उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जब हम अपना दुम्बा जिबा करेंगे। बाय द वे व्लॉग इतना बड़ा नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ बस शुरू के जो भी आपको आपने देख लिया यहाँ तक यही सीन होगा, उसके बाद बस जिबा करते हुए आपको दिखाना है और बस सीन खत्म होगा। क्योंकि यार कुर्बानी कर रहे होंगे, गोश्त वगैरह बना रहे होंगे, तो मोबाइल भी इतना बार बार उठाया नहीं जाएगा। तो चलें फिर अब जल्दी से अपने जानवरों को जिबा करते हुए दिखाते हैं। बुलबुल भी आज ही करना है? हाँ भाई बुलबुल मैं इनको बता चुका हूँ पहले ही, भाई बुलबुल आज ही करना है, पहले भी कसाई आके बड़े जानवर दो तीन दिन जो परसों मतलब चौथे दिन कर लेते हैं, है ना, ईद गुजर जाए। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं यार ये, गाइस को आप लोग समझाओ यार, भाई आज ही करके हम लोग फारिग करेंगे यार, ताकि कल जुमा भी है ना, तो कल पे तो कहानी डालनी नहीं है। तो खैर अभी बस चलते हैं और जानवर जिबा करते हुए आपको दिखाते हैं। तो चलें भाई ये देखें भाई, कसाई भी माशाल्लाह से आ चुके हैं और ये जानवर यहाँ पे खड़े हैं, ये सफाइयाँ शफाइयाँ बस एंडिंग है, ज़िया वहाँ पे कर रहा है, बस ये कसाई अब करने लगे हैं जनाब। सबसे पहले इसकी बारी है, सिबाई भी रेडी, कसाई पड़ी लगती तो भाई कसाई को भी लगती पड़ी है यार। कोई बड़ी गंदी लग भाई, इसने लगती मार दी। अभी हम तो इसको शरीफ समझ रहे थे लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक चल रहा है भाई, ये वाला जानवर माशाल्लाह से गिरने लगा है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़ोर आज़माई कर रहे हैं। चलो भाई यहाँ पे तो गोश्त बनना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ये देख लीजिए यहाँ पर गोश्त बन रहा है। चुगाली जैसी हालत हो गई अभी, बहुत गंदी हालत हो गई यार। कितने जानवर गिराए हैं आज? मैंने गिराए लगभग छः सात गिरा दिए, तकरीबन सात गिरा दिए अभी तक, सात गिरा दिए और दो एक ये रहता है चुचू, ये रहता है। अच्छा ये भी आपने गिराना है? ये गिरा देगा, तो ये गिरा देगा जो बंदा हाथ भी नहीं लगाता। ये तो काम चलो भाई यार अब हमारे बुलबुल की बारी, अब इसको हम लोग करने लगे हैं जिबा। हो गया भाई जिबा, हम लोग खून दिखा रहे हैं, वो बिलर मार देंगे ना, बिलर हाँ बिलर मार देंगे। मैंने किया है अभी, ये मछुरी पकड़ के समझ रहे हैं इन्होंने कर दिया है। अबे तो है अभी दुम्बे को लटका लिए, इसकी आधी खाल उतर चुकी है और अभी आधी उतरने वाली है। ये सीप भाई है, ये बड़ा काम किया इन्होंने, थोड़ा बकरे का चल रहा है, काम पूरा किया नहीं ऐसे उठ के आ गए, बहुत थक गए हूं। दिखा ये मेरे खूनी हाथ, किसी का खून करके आ रहा हूँ भाई साहब। खाल वाल उतार के ना अब ले आए थे हम अपना जानवर, मतलब के जो बुलबुल दुम्बा था ना हमारा, उसको ऊपर, और अब लग गए हैं काम पे। ये देखें जी मैंने एक पाया यहाँ पे अलग करके रख दिया है, बाकी दो उधर उतरे पड़े हैं, ये देखें मैंने ये यहाँ से अलग किया है और ये वाला भी अलग कर रहा हूँ। और उधर ज़िया साहब भाई यार ये क्या बना रहे? कलेजी, कलेजी कलेजी खाएगा वैसे तू? अच्छी वाह भाई वाह, बस इनको बनाने का शौक है और इनको अच्छी नहीं लगती। तो खैर यार अभी हम इसका गोश्त करते हैं पूरा, मतलब के बोटी बोटी बनाते हैं भाई। ये देखें जी ये पूरा, ये भाई ये चांपे मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखें चांपे, ये बोनलेस मीट जो होता है, ये हड्डी वाला, ये हड्डी वाला, तो भाई पूरा हमने दुम्बा करके रख दिया है। और टाइम तो इस वक्त कितना हो रहा है टाइम? हाँ भाई 11:30 हो रहे हैं भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े दोनों जानवर भी निपट गए हैं और हमने अपना दुम्बा भी निपटा दिया है। तो बस जी व्लॉग को भी अभी यहीं पे एंड करते हैं, बाहर भी ये बालकनी में बैठे हुए थे, बस अब यहाँ से जल्दी जल्दी समेटते हैं और अब करेंगे हम आराम। भाई इतना थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि बंदा बस मतलब कि क्या ही मैं आपको बताऊं भाई। बरल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से ये सब कुछ जो है वो डन हो चुका है, ये आप एक बार फिर देख लें। तो बस जी यही व्लॉग था, दोनों बड़े जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और हमारा दुम्बा भी हो गया और सीज़न 2023 की कुर्बानी हमारी डन हो गई। और भाई ये सीज़न होता है यहीं पे एंड, बहुत से मंडी के व्लॉग भी अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों ने देखे और उसके बाद जानवर जो हमने अपना लिया वो भी आप लोगों ने देखा और उसके बाद जो दुम्बा लिया हमने वो भी देखा और आज ये है इस कुर्बानी सीरीज़ का लास्ट व्लॉग। तो भाई साहब
अगर पिछले व्लॉग अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लेना पहले, फिर यहाँ पर आके एंडिंग करना। तो खैर जनाब, वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। तो बस जी, इस गोश्त के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। लाइक लाजमी कर देना और अल्लाह हाफिज़।